गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का संघवाद का अतिरिक्त प्रश्न तक करवा दिया था। इसके बाद आप किताब के पीछे जो आपके प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो मणिपुर भारत में उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है तथा इसकी सीमा म्यांमार देश की सीमा से मिलती है। ख है सिक्किम। सिक्किम को बौद्ध लोगों के मठों का राज्य भी कहा जाता है तथा नेपाल तथा भूटान देशों के बीच स्थित भारत का एक राज्य है। तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित है तथा मध्य प्रदेश को विभाजित कर इसे बनाया गया है। चौथा है गोवा। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक व्यवस्था स्वरूपों का मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, शासन के एकात्मक स्वरूप के केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती है और शासन के निचले स्तरों को की सही मायने में शक्ति नहीं मिलती। इस तरह के उदाहरण कई तानाशाही शासकों और राजतंत्रों में देखे जा सकते हैं, जैसे लीबिया, सऊदी अरब आदि। ये आपका किताब में जो प्रश्न दिया है ये आपका चौथा प्रश्न किताब में है, लेकिन ये इसमें आपको स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। ये तो आप प्रश्न उतार कर भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो किताब में दिया है उसके हिसाब से ही लिखें, या जो आपने वो लिखना है तो फिर आप अगले पेज पर लिखें। तीसरा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। ये आपकी किताब में तीसरा प्रश्न है, इसमें भी तीसरा प्रश्न आपको दे रहे हैं। इसका उत्तर है, भारत में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझा करती है। हालांकि भारत के विपरीत बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक समुदाय सरकार का भी प्रावधान है। अब प्रश्न चार है, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों का क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो शासन के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती है और शासन के निचले स्तरों को ही सही मायनों में शक्ति नहीं मिलती। इस तरह के उदाहरण कई तानाशाही शासकों और राजतंत्रों में देखे जा सकते हैं, जैसे लीबिया, सऊदी अरब आदि। अब प्रश्न पाँच है, 1952 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो 1952 से पहले स्थानीय सरकारें पहला पॉइंट है, इसमें चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे और नियमित रूप से नहीं आयोजित किए जाते थे। दूसरा पॉइंट है, इसमें स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। अब 1952 के बाद स्थानीय सरकारों में क्या अंतर है, देखिए। पहला पॉइंट है, इसमें नियमित रूप से चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग। दूसरा पॉइंट है, इसमें राज्य सरकारों का स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुल शक्तियों और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न छः है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें चूँकि अमेरिका सबको साथ लेने वाले तरह का संघ है, इसमें आएगा सबको साथ, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है, इसमें आएगा अधिक शक्तिशाली। लेकिन भारत का संघीय प्रणाली
सबको जोड़ने की है, इसमें आएगा सबको जोड़ने की है। और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। अब पाठ प्रश्न से सातवां, भारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उनके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। जिसे ठीक समझते हैं उन्हीं के पक्ष में तर्क और उदाहरण देना है। इसमें जो सही तर्क है वो संगीता का तर्क सबसे सही लगता है। भाषा का इस्तेमाल केवल एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए नहीं होता, बल्कि भाषा उस संस्कृति और सभ्यता की अहम हिस्सा होती है जिसे विकसित होने में हजारों साल लगते हैं। लोगों का अपनी भाषा के साथ भावात्मक जुड़ाव होता है। भारत की भाषा नीति लोगों में दूसरों की संस्कृति के लिए समान जगाने की कोशिश है और इससे भारत की एकता को मजबूत करने में मदद मिलती है। अब प्रश्न आठवां है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, इसमें चार विशिष्टता दिया हुआ है, इसमें से एक चुनना है कि एक विशिष्टता क्या है। तो इसका उत्तर है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नवा है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती वाले समूहों में लिखें। इसमें स्क्रीन पर जो दिया हुआ है ये भारतीय गलत है। राज्य पहले नगर निगम ग्राम पंचायत संघीय दो में आएगा प्रधानमंत्री सरपंच राज्यपाल और मेयर। राज्य सूची में आप प्रश्न आ जाएगा कृषि शिक्षा, नीचे भारत के शासन की सूची में आ जाएगा और बैंकिंग बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए सूची में आपका व्यापार भी आ जाएगा। कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, राज्य सूची में एक और आएगा ये संचार, सही मेल वाला जोड़ा कौन सा नहीं है। इसका इस तरह से स्क्रीन पर ये गलत दिया हुआ, आप इसमें से देख के नहीं लिखेंगे बैंकिंग का। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका है कि जो मेल नहीं कर रहा है, तो इसका उत्तर इसमें सही दिया है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। अब अति लघुतरी प्रश्न है, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं, ये पहले भी आपको मैं करवा चुकी हूँ, स्क्रीन पर से देख के अगर आपने नहीं किया है तो फिर से कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्क्रीन पर आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको कॉपी में आपको लिखना है, ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो परीक्षा के उद्देश्य से अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको कॉपी में लिख